Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. लखनऊ के मेदांता अस्पताल में कोरोना संक्रमित होने के बाद बीते 9 मई को भर्ती कराए गए समाजवादी पार्टी के रामपुर के सांसद आजम खान की तबीयत को लेकर हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया है। लखनऊ के मेदांता अस्पताल की ओर से जारी हेल्थ बुलेटिन के मुताबिक समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को सीवियर कोविड इन्फेक्शन के कारण कोविड आईसीयू में रखा गया है। गुरुवार 13 मई को खान को कम ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत रही। उनका इलाज सीवियर इन्फेक्शन डिजीज प्रोटोकॉल के तहत मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ के क्रिटिकल केयर टीम के डॉक्टरों की कड़ी निगरानी में चल रहा है। उनकी हालत अभी स्थिर बताई जा रही है। बता दें कि खान के साथ उनके 30 वर्षीय बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला खान की कोरोना संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका भी इलाज चल रहा है। मोहम्मद अब्दुल्ला खान की स्थिति स्थिर एवं संतोषजनक बताई जा रही है। उन्हें भी डॉक्टर्स की निगरानी में रखा गया है। ये जानकारी लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल के मेडिकल डायरेक्टर की ओर से दी गई है। बात करें तो जिस तरीके से आजम खान जो है वो कहीं ना कहीं मुस्लिमों के एक बहुत बड़े नेता कहे जाते हैं और समाजवादी पार्टी में जो है उनका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा चलता रहता है। बात करें अगर मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो आज ईद का दिन है और मुस्लिमों के लिए ईद का दिन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन आजम खान जो हैं वो लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती हैं और आईसीयू में वो अपना कोरोना का इलाज करा रहे हैं। वहीं बात करें तो समाजवादी पार्टी के पूर्व सांसद यानी कि जो धर्मेंद्र यादव हैं उन्होंने आजम खान को लेकर एक काफ़ी ही ज़्यादा इमोशनल पोस्ट अपने फेसबुक पर शेयर किया है। उन्होंने शेयर करते हुए लिखा है कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता माननीय आजम खान साहब काश ईद के मौके पर स्वस्थ होते और जेल से बाहर हम सब के बीच में ईद मना रहे होते तो इस पाक त्यौहार की खुशियाँ कहीं ज़्यादा बढ़ जाती, मगर अफसोस है कि वो हॉस्पिटलाइज है, धीरे धीरे स्वस्थ हो जाएंगे। मेरी उस ईश्वर से प्रार्थना है कि ईद जैसे पवित्र त्यौहार की बरकत से ऊपर वाला जल्दी से जल्दी उनको और भाई अब्दुल्ला आजम को स्वस्थ कर दे और वे तमाम परेशानियों से निकलकर अपने बीच आ जाएं। वहीं बात करें तो आजम खान को लेकर जिस तरीके से अखिलेश यादव ने उनका रिपोर्ट जारी किया था तो वहीं शिवपाल सिंह यादव ने भी इसकी जानकारी दी थी। साथ में जो उनके भाई यानी कि राम गोपाल यादव हैं उन्होंने भी आजम खान को लेकर कहीं ना कहीं योगी सरकार पर निशाना साधा था। न्यूज रूम से अमेजिंग वर्ल्ड की रिपोर्ट, न्यूज रूम से न्यूज लाइव की रिपोर्ट। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.